दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज बात करेंगे कि डोमाल को किस तरीके से काटा जाता है और उसमें एंगल कैसे लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगल लगा नहीं पाते, वो एंगल की जगह कनेक्टर से कनेक्टर का यूज करते हैं और बताते हैं कि उस कलम जो कलम सही नहीं बैठ पाती एंगल से। तो मैं बताऊंगा कि एंगल किस तरीके से लगानी है और एंगल को कितना गैप दे के लगाना है, यानी कि एंगल को जब कलम मिलाएंगे उससे कितना हटा के लगाना है आपको, और बात करेंगे कि कलम को किस तरीके से जोड़ना है। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। क्या होता है कि लोग बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और फिर बाद में सवाल पे सवाल सवाल पे वो वीडियो को समझ नहीं पाते, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और देखें वीडियो किस तरीके से, तो आप इसको देखने के बाद बिल्कुल समझ जाएंगे कि जो डोमाल में एंगल कैसे लगती है और उसको जोड़ा कैसे जाता है। एक बात और, आप डोमाल का अगर डोमाल जब काटते हैं तो आप अपने कटर को 45 डिग्री में लगा लीजिए, 45 डिग्री में काटिए आप माल को, तो आपकी कलम बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आपका कटर ठीक होता है, उसकी जो सेटिंग बिगड़ी नहीं होगी, तो आपका कटर काफ़ी अच्छा काम करेगा। हम जो करते हैं वो बोस का यूज़ करते हैं। अभी आप देखिएगा, आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको काटा जाता है, उसकी कलम को काटा जाता है, किस तरीके से एंगल को लगाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहें, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये यहाँ पर कटिंग प्रोसेस है डोमाल का, ये देख सकते हैं आप कलम में किस तरीके से डोमाल को काटते हैं, ये देख सकते हैं ये डोमाल कटिंग हो रही है। ये देख सकते हैं ये डोमाल सेक्शन होता है, जो यूपीवीसी में भी आता है ये, और एल्युमिनियम में भी आता है। थोड़ा हैवी होता है और कंपनी का माल होता है, ये जिंदल का माल होता है, जिंदल महावीर जैसी कंपनियां इस सेक्शन को बनाती है। आता तो लोकल में भी है, लोकल में आपके यहाँ पर थोड़ी लाइनिंग आती है, और जो जिंदल वगैरह का मटेरियल होता है उसमें लाइनिंग नहीं आती है। देखिए जिंदल का मटेरियल होता है, ये देख सकते हैं कलम होती है डोमाल की, एंगल लगाने के लिए। अच्छा ये जो देखिए इसमें जो ये स्ट्राफ किए जा रहे हैं ये एंगल लगाने के लिए किया जा रहा है, ताकि इसकी कलम को जोड़ा जा सके आराम से, ये उसके लिए स्ट्राफ किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये कटिंग जो हो चुकी है इसकी कलम में बन चुका है ये, और यहाँ पर ये सुराख किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अंदर फाइल लगाई जा रही है, जहाँ पे अभी ड्रिल मशीन से सुराख किया गया था। ये जो इसमें फाइल लगाते हैं, रेती लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ये ताकि इसके अंदर जो बुरादा है ना वो खत्म हो जाए, यानी कि ये इसलिए मारा जाता है ताकि एंगल बिल्कुल फिक्स बैठे और सही से बैठ जाए और पल्ला हले ना, इसका जो मेन मकसद ये होता है। इसलिए इसमें रेती लगाई जाती है ताकि इसका बुरादा आराम से निकल जाए और एंगल एकदम जबरदस्त तरीके से बैठ जाए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, मतलब दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप एंगल में एंगल को इसमें लगाएंगे। ये निशान यहाँ से लगाया जाता है, जो अभी हमने दिखाया था सुराख किस तरीके से करते हैं, उस पर एंगल लगाते हैं और एंगल में किस तरीके से सुराख किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस पर निशान लग चुका है, तो यहीं से इस पर ड्रिलिंग कर देंगे और इसको इसमें लगा देंगे। देख सकते हैं जैसे कि अभी निशान लगाया गया था, किस तरीके से निशान पर ड्रिलिंग की जा रही है, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए एंगल में सुराख हो चुका है, ये देखिए एंगल में
भाग हो चुका है, अब इसको इसमें लगा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से एंगल को इसमें कैसा जाएगा। ये स्टार बिट लगा चुके हैं ड्रिल मशीन में, अब देख सकते हैं आप किस तरीके से इसको कस दिया जाएगा ताकि पल्ले को जोड़ा जा सके। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो एंगल लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप, इसी से पल्ला जुड़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर पल्ला जुड़ चुका है, कलम मिल चुकी है। अब इधर से इसमें स्क्रू लगा दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब इसकी कलम को जोड़ा जा रहा है, पल्ले को जोड़ा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पल्ले को जोड़ा जा रहा है। ये देखिए एक तरफ से ये जुड़ चुका है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है इसमें, ये देख सकते हैं आप। इधर से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग, कलम काफ़ी अच्छी जुड़ी हुई है। यहाँ पर पल्ला बिल्कुल तैयार है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पल्ले को तैयार कर दिया। यहाँ पर डोमाल जो पल्ला है बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं पल्ला बिल्कुल बनकर तैयार है, ये देख सकते हैं। ये देखिए ये डोमाल व्हील है और ये लगा, अब इसमें लगाने का प्रोसेस चल रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से इसमें व्हील को डाला जा रहा है, ये देख सकते हैं। व्हील इसके अंदर जा चुका है, यहाँ पर ये देख सकते हैं व्हील जा चुका है। अब इसको एलंकी से कस दिया जाएगा, ना तो इसमें स्क्रू लगाने की जरूरत ना कुछ, एलंकी से बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एलंकी से इसको बिल्कुल टाइट कर दिया गया है, बिल्कुल टाइट। अब बिना स्क्रू के ये बहुत टाइट रहेगा, ना तो निकलेगा ना कुछ होगा इसमें,